और इस समय यहाँ पर जनपद में खड़े हैं और हमने अभी आपको दिखाया कि जहाँ पर भगवान वासुपूज्य महाराज जी की जो प्रतिमा है उसको प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहाँ पर नित्यानंद जी, विजय नित्यानंद महाराज जी आए हुए हैं, जहाँ पर लोगों को आशीर्वाद देंगे। और इस समय हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पंडाल में क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। कृपया गुरु के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए पंडाल में आकर विराजमान हो। एक बार फिर आप सबसे विनती कि गुरुदेव पंडाल में विराजमान हो चुके हैं, तो कृपया आप सभी यहाँ पर पहुंचेगा। अभी शीघ्र ही धर्म सभा शुरू होने वाली है, तो सभी से विनती एक बार फिर सामने मार फोन दे। और देखिए इस समय हम यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर पंडाल लगा हुआ है। यहाँ पर पंडाल में इस समय जो कार्यक्रम चल रहा है भजन गायन का, और यहाँ पर नित्यानंद स्वामी जी महाराज जी जहाँ पर इस बार अपना आशीर्वाद देने के लिए लोगों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जो अभी इतने जन भक्त जन हैं यहाँ पर, जैन समाज के जो सदस्य हैं यहाँ पर इस समय पहुँच चुके हैं और कुछ खाने में भी लगे हुए हैं, लेकिन खाना समाप्त होने के बाद और देखिए समय विचार विमर्श चल रहा है। और देखिए जहाँ पर महेश जी, महेंद्र जी गोयल परिवार और उनके साथ नित्यानंद महाराज जी कि उन्होंने जहाँ पर इस समय जनपद में जो भगवान जी का जो मंदिर, विशाल मंदिर बनवाया है, उसके लिए सारा जैन समाज समय उनका आभारी है। टेंपल फाउंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं नित्यानंद जी और उनके साथ गोयल परिवार, गोयल के परिवार के सदस्य। और इस समय स्थान ग्रहण कर लिया है नित्यानंद महाराज जी ने। जय बोलो विजय वल्लभ सूरी महाराज की, जय बोलो ये समुद्र सूरी महाराज की, जय बोलो ये इंद्र दिन सूरी महाराज की, जिन शासन बोलो जिन शासन देव की। सर्वप्रथम मंगलाचरण के रूप में से बोलेंगे एक बार में एक बार आप महामंत्र लो का। ॐ नमो अरिहंतानं, ॐ नमो सिद्धानं, ॐ नमो अरिहंतानं। Thank you.
सभा का शुभारंभ हो चुका है। परिसर में जहाँ कहीं भी जो कहीं भी भाई बहन सुन रहे हों तो वे जल्दी से जल्दी पंडाल में पधार जाएं। सब गुरु भक्तों से सविनय निवेदन है कि आप धर्मसभा में जल्दी से जल्दी पधारें। साहेब समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति कल्याणक तीर्थंकर द्वारक पंजाब मुक्तिदान संयम सुमेरू परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय नित्यानंद सरस्वत जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। पंजाब प्रवर श्री धर्मशील महाराज साहब के चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। कार्याध्यक्ष मोक्षानंद जी महाराज साहब के कोटिश कोटिश वंदन। और श्री वासु पूजा स्वामी पंच कल्याण ज्ञान मंदिर और आज भव्य प्रतिष्ठा का समारोह जो आज 15 तारीख को जहां मनाया जा रहा है, आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। जैन समाज की तरफ से पुण्य प्रभावक निश्रा और परम पूज्य वर्तमान गज्याधिपति जैनाचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सुरसूरी जी महाराज हमारे सामने बैठे हैं, इस समय प्रवचन कर रहे हैं। उनके साथ हैं पन्यास परवर श्री धर्मशील विजय जी और कार्यदक्ष मुनिराज श्री मोक्षानंद विजय जी और मुनिराज श्री पद्मशील विजय जी उनके साथ हैं। और समय यहां पर जो कार्यक्रम चल रहा है, धर्मसभा चल रही है और उसमें मुनिराज श्री तत्वानंद विजय जी, मुनिराज श्री ज्ञान आनंद विजय जी, सरल स्वाभी साध्वीपति रत्ना जी, साध्वी प्रति सुधा जी, साध्वी प्रति यशा जी, जितने भी ये गणमान्य व्यक्ति जहाँ पर आए हुए हैं आज इनका आशीर्वाद लेने के लिए, जैन समाज के जो सुरेश्वर जी हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच चुके हैं। और जहाँ पर जो भी कार्यक्रम चल रहा है इस समय उसमें जैन समाज के जो अतिथिगण हैं जहाँ पर जो आए हुए हैं वो बैठे हुए हैं और नित्यानंद जी स्वामी और उनके साथ दूसरे जो मुनि महाराज बैठे हुए हैं। तो इस समय संजीव जैन जी कुछ बोल रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। संजीव जैन जी नीचे बैठे हैं, उधर से विजयानंद सुरेश्वर जी महाराज साहिब आते हैं। वो कहते हैं लागू ये क्या, वो कहते गुरुदेव गुरुदेव मेरे भाव बदले। ऐसे ही भाव हमारे मेहर जी गोयल के बदले जब वो मेरे साथ श्री पाल बिहारी शाह जी के साथ प्रदीप जी के साथ गुद्धोज नगरी सन 2015 उन्होंने कहा कि गोयल और सिंगल परिवार एक टाउनशिप बना रहा है, उसमें हम चाहते हैं जैन मंदिर का निर्माण हो। उन्होंने गुरुदेव से अपना आग्रह किया या गुरुदेव को ये आदेश कीजिए। गुरुदेव की प्रेरणा मिला, आशीर्वाद मिला और उन्होंने इमीडिएट डिसाइड किया कि ठीक है गुरुदेव जो आप कहोगे मैं मंदिर जी वहीं बनाऊंगा, जितनी जगह कहोगे उतनी जगह दूंगा। गुरुदेव ने कहा कि कोई भी तीर्थंकर का पंच कल्याणक मंदिर नहीं है, तो हमें 12वें तीर्थंकर जिनका पांचों कल्याणक चंपापुरी बिहार में हुए वही पंच कल्याणक वही चंपा नगरी हमें यहाँ लुधियाना में आपकी टाउनशिप में बनानी है, गोयल सिंगल परिवार की टाउनशिप में ही बनानी। गुरुदेव के आग्रह पे उन्होंने अपना भूमि दान दिया और ये भी कहा गुरुदेव ये सिर्फ द्रव्य से मैं ये मंदिर का निर्माण कराऊंगा। 2016 में इसका भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। तत्पश्चात मंदिर का कार्य बहुत ज्यादा था, बीच में कुछ जैसे पिछले साल कोविड आ गया, 8-9 महीने काम बंद रहा, पर पता नहीं क्या एक वो था गुरुदेव का, मेरे को वो क्या देश मिला था या गुरुदेव की कृपा हुई, मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया पिछले पर पर्युषण में कि अगले वर्ष पर पर्युषण जनपद में होंगे। हमें ये बिल्कुल मालूम नहीं था, मंदिर का निर्माण भी 80% अभी पूरा नहीं हुआ था, तो पर गुरुदेव की कृपा है, प्रभु को अपने घर जल्दी आना था। गुरु की निश्रा में 2019 जनवरी में श्री मनोवंशित पार्श्वनाथ जैन मंदिर में अंजन शलाका हो चुकी थी, तो प्रभु आज अपने घर में प्रवेश किए। उनके मूल गुम्बारों में आज सुबह
7:35 में प्रवेश हुआ। ये बहुत ही एक शुभ निशरा वाला एक हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि हम यहाँ पे उपस्थित थे। ये गुरुदेव का एक प्रेरणा है, आशीर्वाद है, और उनका ये आज जो प्रतिष्ठा कार्य किया उनके लिए हमारी समस्त कार्यकारिणी मैं एक जी भैया को कॉमन आ गए हैं। एक जी के लिए हम सब अभिनंदन करते हैं। धर्मशील जी विजय जी महाराज साहिब का, कार्याध्यक्ष मोक्षानंद जी महाराज साहिब का, उनका तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। उनसे मिच्छामि दुक्कड़म भी मानता हूँ। पिछले जब से 50 दिन पहले प्रतिष्ठा अनाउंस हुई है, भाई मंदिर का कार्य इतना अधूरा था, इनको मैंने रोज तंग किया, कोई ना कोई कार्य था, हिंदी थोड़ा लिखने की कमजोरी है, बोल तो सकता हूँ, तो मैंने इनको बहुत तंग किया, कई विषय करने थे, कई शिलालेख लिखने होते हैं हर प्रतिमा के नीचे या जो भी मंदिर में कार्य है, तो मैंने इनसे दिन में 4-4, 5-5 बार संपर्क किया। इन्होंने बिना किसी संकोच के शिलालेख को ही हमने कम से कम 30-40 बार ठीक किया होगा। तो गुरुदेव की धन्यवाद और गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रतिष्ठा हमारे यहाँ मंगलाचरण किया और प्रतिष्ठाचार्य को एक शुभ निश्रा में करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वस्वभावी हमारी प्रिय रत्ना जी महाराज साहिब, प्रीति सुधा जी महाराज साहिब एवं प्रीति यशा जी महाराज साहिब भी आज यहाँ पे उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी में भी ये प्रतिष्ठा कार्य संभव हुआ। अब मैं हमारे आत्म वल्लभ जनपद के कुछ मेंबर्स का मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। हमारे चेयरमैन श्री महेश गोयल, प्रेसिडेंट श्री कोमल जी ड्यूक, उनको भी मैं कहूँगा आगे पधार जाएं। वाइस प्रेसिडेंट श्री विनोद जी सीएचई, उनको भी मैं आग्रह करूँगा आगे आ जाएं। एक मैं स्वयं भी हूँ, श्रेणी जैन, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे मेंबर नरभूषण जी जैन, श्री रजत जैन, आप भी खड़े हो जाइए रजत जी। इसके अलावा हमारे जनपद से हमें बहुत ही सहयोग मिला। जनपद में हमारे अरिम जैन जी, मोहित जैन जी, हितेश जैन जी, रजनीश जैन जी, जुगनू, विनोद जी, इन सब का हमें बहुत सहयोग मिला। इनके अलावा भी बाकी परिवारों का भी हमें बहुत सहयोग मिला कि इसके कारण ही हमारी ये प्रतिष्ठा कार्य इतना सरलता से संभव हो सका। हम इन सब की अभिनंदन करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा ये लाभार्थी परिवार भी हैं सारे। इस प्रतिष्ठा में जो भी लाभार्थी परिवार हैं हम उनका अभी अभिनंदन करना चाहेंगे। उसके लिए मैं कोमल जी, विनोद जी, महेश जी, श्रेणी जी, महेंद्र जी और नरेश जी, सबको मैं आग्रह करूंगा आप आगे आइए। और लेडीज में मैं आग्रह करूंगा, श्रीमती अनुराधा गोयल, मिसिज रिम्पी जैन, मिसिज कंचन जैन, मिसिज करुणा जैन, मिसिज उषा जैन, ये आगे पधारे, महिलाओं का अनुमोदन ये करेंगे। सब उत्तरी भारत वो भी जलंधर से यहाँ खास पधारे हैं, उनसे भी आग्रह है कि वो भी आगे आए। सुशील जी आप भी आ जाइए। श्री मंदिर जी से जुड़े हुए सभी भक्तजन, गुरु भक्त,
सतमा स्पर्शी रवि सतमा स्पर्शी सुना है स्वर्गों से सुंदर एक बार ले चलो सुना है स्वर्गों से सुंदर एक बार ले चलो खुले खुले हो जाओ सारे सारे खुले खुले हो और खुले सुना है स्वर्गों से सुंदर एक बार ले चलो मुझको वासु पूजे के दरबार ले चलो एक बार दोनों हाथ ऊपर आओ भी मुझको वासु पूजे के दरबार ले चलो मुझको वासु पूजे के दरबार ले चलो तुझे के दरबार ले चलो और इस समय देखिए हम यहाँ पर धर्म सभा में भी जितने भी लोग गणमान्य लोग आए हुए हैं जो जैन समाज से और बिना जैन समाज के भी सनातनी लोग हैं हिंदू लोग हैं जहाँ पर सभी इकट्ठे होकर आज वासु पूज्या महाराज जी का जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठि का समारोह हुआ है विधि विधान से हुआ है पूजा पूजन तो उसके बाद जहाँ पर धर्म सभा में स्वामी विजय नित्यानंद महाराज जी लोगों को आशीर्वाद देने के लिए भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं और जहाँ पर संजीव जैन जी महेश जी महेंद्र गोयल जी और जो भी जनमान्य है सतपाल जैन जी शरणिका जैन जी संजीव जैन जी मनोज जैन जी कोमल जैन जी महेश गोयल जी सभी लोग जहाँ पर आए हुए हैं और इस समय जहाँ पर ये गुरु महाराज जी उनको आशीर्वाद देने के लिए स्टेज पर बैठे हैं और जहाँ पर जो इस समय खुशी के साथ जो इस समय जहाँ पर वो नाच और गान के साथ भगवान वासु जी का जहाँ पर अभी नंदन कर रहे हैं अभी हमने आपको दिखाया कि जहाँ धर्म सभा चल रही है और जो वासु पूज्य स्वामी जी का मंदिर जहाँ बनाया उसका मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह करने के बाद और भगवान जी को स्वरूप देने के बाद भगवान जी को विराजमान करने के बाद जहाँ पर नित्यानंद स्वामी जी ने यह सभा बुलाई है और जहाँ पर जितने भी समाज के जो सेवक हैं वासु पूज्य जी के महाराज जी के वो सभी लोग जहाँ पर पहुँच चुके हैं और जहाँ पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और अभिनंदन किया जा रहा है एक दूसरे का कि आज हमारे लुधियाना शहर में वासु पूज्य जी महाराज जी आ गए हैं तो आपका भी कभी समय लगे तो इस वासु पूज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए लुधियाना में जनपथ में जरूर आएँ श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।